ये देखिए दोस्तों, ये चिड़िया गिर गई। पूछा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा हिल रही है। मर गई है शायद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वर्षा बोरा और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से, और बहुत लंबे समय से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया है। इसका रीज़न है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी थी, इस वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी मेरे एग्ज़ाम फिनिश नहीं हुए हैं, आज भी मेरा एग्ज़ाम था बट मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए आज एक ब्लॉग बना लेती हूँ। और जो मेरा एग्ज़ाम है उसकी अभी डेट नहीं आई हुई है, और मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि एग्ज़ाम जल्दी फिनिश हो जाए, क्योंकि अभी हमने प्लान कर रखा है कि हम लोग गाँव जाएंगे जून की गर्मियों में, बट एग्ज़ाम अभी फिनिश नहीं हुए हैं पूरे अच्छी तरीके से। तो हम कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जाना है, कैसे जाएंगे, क्या क्या ले जाना है, शॉपिंग वगैरह। तो जब तक एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाते, दिमाग में एक थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है कि एग्ज़ाम है, पहले अच्छे से एग्ज़ाम फिनिश हो जाए तो उसके बाद ही सारी और तैयारियाँ करेंगे। तो देखते हैं कब होता है मेरा लास्ट एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम। सो अभी मेरी देवरानी खाना बना रही हैं और बच्चे, मेरा लव्य तो सोया हुआ है, लक्ष्य जग गया है, अभी सोकर ही उठाए जस्ट, वो तो अभी तो शांत है वो थोड़ा सा। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा बैठ कर पढ़ लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो चलिए पहले एक थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती, क्योंकि अभी टाइम है थर्ड एग्ज़ाम होने में मेरा, तो तैयारी के लिए काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि देवरानी जी आज मेरी क्या बना रही हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, आज की किचन संभाली है मेरी देवरानी जी ने, और अभी ये बना रही है काले चने और छोले मिक्स करके बना रहे हैं आज, क्योंकि बहुत दिनों से रोज़ दाल दाल हो जा रही थी, हमने सोचा कुछ आज डिफरेंट हो जाए, तो इसलिए आज ये बना रहे हैं। तो दोस्तों, छोले बनने के लिए रख दिए हैं और चावल भी रेडी हो चुका है हमारा, और लक्ष्य बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे यहाँ पर। और जब देखो, जब भी हम लोग किचन में होते हैं तो ये बस किचन में ही नज़र आते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको ये किचन में क्या कर रहा है। ये देखिए, खिलौने सब छोड़ छाड़ के इन बच्चों को चाहिए सिर्फ बर्तन, और जितने भी बर्तन रखे थे सारे बर्तन ये लोग यहाँ फैला देते हैं। चलो बाहर आओ बाबू, गर्मी हो रही है ना बहुत यहाँ। चलो, ये क्या है, गाड़ी चला रहा है क्या हुआ? खेलो खेलो खेलो, अच्छा खेलो खेलो। पापा के, पापा के, पापा के, पापा के, देखो पापा के। हेलो पापा, पापा पापा के, देख पापा आएंगे, पीप 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 पीप, गाड़ी की आवाज आएगी। पापा के, पापा 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 आ गए ना, चल जा जल्दी जा, जल्दी जा पापा के पास, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। देखिए दोस्तों, मैंने इसे कैसे उल्लू बनाया है, बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि इसे पता है इसके पापा आते हैं, और वो जब भी आते हैं डेली यहाँ पर आते हैं और बच्चों से थोड़ी देर बातें करते हैं, और इसलिए इसे मैंने पापा पापा बोला, तो इसको अब लगता है कि पापा आ गए। देखिए ये पापा का इंतज़ार कर रहा है अपने, पापा आ गए बाबू, लक्ष्य पापा आ गए, पापा पिप 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 पिप, पापा पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये खुश हो गया, ये खुश हो गया, पापा आ गए, पापा आ गए बाबू। चलो चलो पापा आ गए, चलो जल्दी खोल यार, क्या हो गया? हाँ यार, चिड़िया मरी पड़ी है, पानी लेके आ पहले फटाफट, अभी लाते बच्चा। तो ये देखिए दोस्तों, ये चिड़िया गिर गई अभी एकदम। क्या हुआ इसे, पानी की कमी? मर गई, मर गई। क्या उजा, क्या हुआ? पानी की कमी से मर गई, कैसे मरी है? ना पानी दे तो, एक तो आजकल वो भी हो रहा है ना। अभी कुछ दिन पहले भी कोई एक चिड़िया मरी थी, वैसा बोल रहे थे। मर गई यार, उसकी आंखें खुली। जा, जिंदा है, जिंदा है,
जिंदा है, जिंदा, हिल रही है, हिल रही है ना? हाँ हिल रही है। आपने हिलाया क्या? मैंने हिलाया, मुझे लगा ये हिल रही है। चोंच भी तो नहीं खुल रही इसकी। मुझे ये अपने आप हिला रही है, आप हिला रहे हो? मैं हिला रहा हूँ। पानी कैसे डालोगे लेकिन अब? एक तो धूप इतनी हो रही है ना। पानी रख दिया करना चिड़ियाओं के लिए। एक बर्तन और रखती हूँ पानी के लिए। दो उंगलियों से डालो ना, ज्यादा डलेगा। मुझे लग रहा मर गई है। मर गई है। थोड़ा सा वो करो, क्या पता सांस आ जाए। नहीं हो रहा है कुछ अब। दोस्तों ये देखिए, ये अभी अभी मैं आया हूँ ड्यूटी से, और अभी अभी मैंने देखा कि एक चिड़िया हमारे यहाँ से ऊपर से अभी ये भी नीचे गिरी मेरे सामने। पहले थोड़ी सी हिल रही थी तो मुझे लगा जिंदा है, तो मैंने इसको पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन शायद ये मर गई है। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर रहा हूँ हार्ट में, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। फिर भी एक बार और ट्राई करते हैं, शायद मर गई है। मर गई है शायद। आंखें खुली रह गई हैं उसकी, खुली हैं। आजकल चिड़ियाँ मर जा रही हैं, बताओ। इतनी गर्मी हो रही है, क्या पता खाने के लिए कुछ ना मिला हो ना। अरे दाना तो रखते हैं हम लोग। पानी नहीं है ना आजकल, गर्मी हो रही है ना। पानी रखो ना, एक और रख उसके लिए, पानी के लिए, चिड़ियाओं के लिए। है ठीक है, तो फिर भी कोशिश करते हैं एक बार पानी डालूं। और चिड़ियाओं की जीभ भी होती है। जीभ है इसमें, दिखाओ। रहन दो, चलो वो कर दो, उसे दफना दो। कैसे करोगे? कैसे? ला कोई, बोला बोलाऊँ, कुटिया लाऊँ? सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि शायद उसमें प्राण आ जाए वापस, बट कुछ हुआ नहीं, तो अब हम उसको दफना देंगे। और जस्ट अभी की बात है, मेरे हस्बैंड अंदर आ रहे थे और एकदम ही गिरी, और तुरंत ही हम लोगों ने उसे पानी दिया, बट कुछ नहीं हो पाया। तो अभी अब हम उसको दफना देंगे, तो मैं ले जाती हूँ कुछ खोदने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैंने ये कुटियल निकाल लिया, ये हमारे पहाड़ी भाषा में इसको कुटियल बोलते हैं। और ये लक्ष्य भी यहाँ पे देख रहा है सब कुछ, तो चलिए अब इसे दफना देते हैं। चिड़िया, चिड़िया, कबूतर या चिड़िया? चिड़िया छोटी सी जो आती है। क्यों, कैसे मर गई? शायद पानी, आजकल गर्मी बहुत है ना। हाँ
बायू तू क्या कर रहा है? चलो रहन दो, नहीं हो पा रहा है। हाँ ये दफना दो साइड में, साइड चलने वाले रास्ते में मत करो ना, या बीच में कर दो ना, चलने वाले रास्ते दफना दो पीछे। नहीं तो यहाँ पे सही नहीं है यार। क्यों? इधर दफना दो, यहाँ दफना दो। हाँ यहाँ पे कर दो। भगवान इसको एक अच्छा नया जन्म दे। तो दोस्तों सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने चिड़िया को दफना दिया है, और शायद आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पानी की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। सो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चिड़ियाओं के लिए किसी एक छाया जगह पर, किसी छोटे से बर्तन में ही भले ही आप थोड़ा सा पानी रखें उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और पानी इस टाइम पर कहीं पर भी नहीं मिलता है चिड़ियाओं को, सब जगह सूखा है। तो मैं भी आपसे रखूँगी, वैसे मैं हर साल रखती हूँ, बट इस टाइम अभी मैं नहीं रख पाई थी, तो लेकिन अब आज ऐसा हो गया है तो मैं ज़रूर से आप पानी रखूँगी। उसको मैंने सुबह ही दाना रखा था इसमें चिड़ियाओं के लिए, और इसमें दाना नहीं है, तो अभी मेरे पास कोई बर्तन नहीं है इसलिए मैं इसमें पानी रखूंगी अभी, और दाने के लिए मैं दूसरा बर्तन लेकर आऊंगी। तो दोस्तों पानी मैंने रख दिया है यहाँ पर, आई होप कि आज ऐसा हुआ चिड़ियाओं के साथ ऐसा ना हो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें, और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आपसे कि इस गर्मी के टाइम पर पानी ज़रूर रखिए आप लोग, क्योंकि हमारे देश में गौरैया वैसे भी बहुत कम मात्रा में है, और पानी की वजह से अगर वो दिन ब दिन ख़त्म होती रहेंगी तो इनकी संख्या कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू।